तो गाइस हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे एक आईआर रिमोट उसकी जो बटन है लाइक टीवी के साथ कैसे काम करता है, मतलब कैसे एक आईआर रिमोट और एक आईआर रिसीवर एज ए ट्रांसमीटर और रिसीवर काम करते हैं। और गाइस मैंने उस वीडियो पे दिखाया था कैसे आपको जो रिमोट है एक तरह की जो प्रोटोकॉल सेंड करता है, मतलब एक जो एक तरह का इंफ्रारेड रे सेंड करता है आईआर रिसीवर को, जो आईआर रिसीवर कैच करता है, तो उस इंफ्रारेड रे को कैसे हम डिकोड कर सकते हैं, तो गाइस वो भी मैंने दिखाया था। तो गाइस अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस चैनल पर विजिट करके देख लेना, नहीं तो गाइस उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, तो गाइस जाकर देख लेना। तो गाइस आज हम उस डिकोड वैल्यू को यूज करके हम एक आईआर रिमोट कंट्रोल बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम बनाएंगे, जो कि जिसका क्लिप मैंने जो प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। तो गाइस इस वीडियो को हम चार पार्ट में बात करेंगे। तो गाइस पहला पार्ट होगा सर्किट मेकिंग, उसके बाद गाइस हम सर्किट असेंबल करेंगे, हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद हम गाइस सीधा टेस्टिंग पर जाएंगे। तो गाइस पहले यहाँ पर जो मेरी जो पीसी पे उस पर यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना दो, तो आपको सर्किट डायग्राम मेरे ट्रेक नाम चला है आपको उस पर मिल जाएगा। तो गाइस चलिए मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ पीसी पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने सर्किट डायग्राम यहाँ पर बना लिया, तो इसलिए यहाँ पर सर्किट को असेंबल कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने सिंपली एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक चार एलईडी यहाँ पर यूज़ किया है। तो गाइस आप यहाँ पर रिमोट में जितनी सारी बटन है तो गाइस उतनी सारी आप यहाँ पर आउटपुट ले सकते हो। तो गाइस मैं सिंपली आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर फोर चैनल का यहाँ पर रिमोट यूज़ कर रहा हूँ। और गाइस आप अपने हिसाब से अपने घर पर वायरिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस चलिए आप यहाँ पर वायरिंग कर लेते हैं। तो गाइस इसके लिए चाहिए मुझे, उसके बाद गाइस हमें चाहिए आर्डुइनो यूनो, उसके बाद हमें चाहिए एक आईआर रिसीवर। ये जो आईआर रिसीवर है इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स आपको हमारे जो प्रीवियस वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो इसलिए मैं फटाक से जो इसका जो वायरिंग है मैं जो डायग्राम के हिसाब से कर लेता हूँ। हमारे सर्किट उसको असेंबल कर लिया। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने कोई यहाँ पर एसी जो अप्लायंस है उसके साथ कनेक्ट नहीं करूँगा। तो गाइस सिंपली देखिए यहाँ पर चार एलईडी पर एलईडी है, तो गाइस आपको इंडिकेट करेगा और गाइस यहाँ पर जो रिले है उसका भी आपको आवाज़ मिलेगी, आपको ध्यान से देख लेना है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोडिंग कर लेते हैं। तो गाइस सिंपली कोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर जो पोर्ट है उसको मैं ऑडियो में प्लग करूँगा। और गाइस कोडिंग करने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना होगा। जैसे गाइस आपको एक रिमोट लेना है, तो गाइस आप इस रिमोट में बहुत से तो बटन्स है, तो गाइस यहाँ पर आप कौन कौन बटन को आप यहाँ पर चूज़ कर रहे हो। तो गाइस मैं सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पावर बटन है और यहाँ पर जो म्यूट बटन है और यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और यहाँ पर पोर्ट नंबर, यहाँ पर मैं टोटल सिक्स बटन यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग करने से पहले। तो गाइस आपको इस जो चारों जो सिक्स बटन है तो इसका आपको डिकोड वैल्यू निकाल लेना है। तो गाइस मेरा जो डिकोड वैल्यू पहले से मैंने स्टोर करके रखा है मेरे पीसी पे, तो गाइस चलिए आप कोडिंग कर लेते हैं। तो गाइस चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत साल पहले बनाया था, तो इसका कोड मेरे पहले से ही पड़ा है, तो गाइस चलिए उसको उठाते हैं। तो गाइस सिंपली मैं अपनी आर्डुइनो आईडी ओपन करता हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पर जो कोडिंग है थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर एक ही चीज़ करना है, आपको सिंपली मैं जो टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट करना है, उससे उसमें से कोड आपको उठाना है और इस कोड को आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। तो गाइस अगर आप ध्यान से देख लोगे तो गाइस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं जो कोडिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ पर डन अपलोडिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो गाइस लीजिए हमने यहाँ पर सर्किट बना लिया, सर्किट को असेंबल कर लिया, उसके बाद हमने कोडिंग भी कर लिया। चलिए आप यहाँ पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चाहिए सिंपल सा रिमोट। तो गाइस जिस रिमोट का बटन का हमने डिकोड वैल्यू निकाला था, तो गाइस मैंने कोड में जो कंडीशन था, तो गाइस क्या होगा हमारा जो म्यूट बटन है उससे हमारा जो सारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी और हमारा जो पावर बटन है उससे ऑफ हो जाएगी। तो गाइस उसके बाद गाइस देखिए हमने यहाँ पर एक बटन, यहाँ पर एक नंबर बटन का, दो नंबर बटन का, यहाँ पर तीन नंबर का, यहाँ पर अलग अलग से कंडीशन लगाया था। तो गाइस चलिए पहले चेक कर लेते हैं। उसको मैं यहाँ पर जो म्यूट बटन है उसको प्रेस करता हूँ। तो गाइस जो रिमोट है उसमें कुछ दिक्कत है, मतलब इसका जो बटन है ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो गाइस देखिए जैसे हमने यहाँ पर म्यूट बटन प्रेस किया उसके देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर आपको एलईडी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर आपको सुना जो यहाँ पर रिले वो भी उसका भी आपको साउंड सुना होगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने तीन रिले पर यूज़ किया है, यहाँ पर एक एलईडी को एक यहाँ पर नहीं यूज़ किया है, ठीक है। तो गाइस उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पावर बटन है उसको जब भी मैं प्रेस कर दूंगा तो गाइस हमारा जो सारा एलईडी है ऑफ हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो गाइस देखिए ऑफ हो गए। उसके बाद देखिए चलिए गाइस मैं सिंगल सिंगल यहाँ पर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर दो प्रेस करता हूँ। तो गाइस देखिए ये एलईडी ऑन हो गया। उसके बाद मैं दो फिर से दबाऊंगा तो गाइस ये जो एलईडी है वो फिर से ऑफ हो जाएगी। तो गाइस देखिए उसके बाद मैं यहाँ पर तीन दबाता हूँ तो गाइस देखिए ये एलईडी ऑन हो गया।
तो गाइस इसको मैं फिर से ऑफ करता हूँ, उसके बाद मैं फोर्थ नंबर को दबाता हूँ। देखना गाइस ये एलडी ऑन होगा, देखिए उसके बाद फिर से मैं प्रेस करता हूँ ऑफ हो जाएगी। तो गाइस देखिए ऐसे हमारा कुछ सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आपको रिमोट थोड़ा सा ध्यान से लेना होगा, क्योंकि गाइस देखिए मुझे जो रिमोट है इसमें इसका जो बटन सा ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से देख के ले लेना। तो गाइस आप हमें बताइए, तो गाइस ये पूजा आपको कैसा लगा, मतलब आसान या कोई रॉकेट साइंस? जो कि स्टार्टिंग वाला बहुत ही सिंपल है, तो गाइस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये था आज एक सिंपल सा प्रोजेक्ट जो कि आपने देखा। तो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई दिक्कत हो, तो नीचे आप जरूर कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और गाइस इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आपको लाइब्रेरी, आपको कोड, सर्किट डायग्राम, आपको जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उसको मिल जाएगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसमें भी मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।